नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल HRX Gamer में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा एक ऐप देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन में Xbox, PC, PS4, PS3 के गेम्स Android में खेल पाएंगे। और जो गेम्स होंगी वो होंगी, मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि इसमें 1000 से भी ज़्यादा गेम्स हैं। और जितना मुझे याद है मैंने देखा है GTA 5, स्लीपिंग डॉग्स, वॉच डॉग्स, इनफेमस द सेकंड सन, शैडो ऑफ टॉम राइडर, और कैसलवेनिया 2, और अनचार्टेड 4, गॉड ऑफ वॉर 4, और भी बहुत सारे गेम्स जो है देखा है मैंने। यहाँ तक कि जस्ट कॉज 4 भी मैंने इसमें इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने देखा है। और ये सारे गेम अपने फ़ोन में खेल पाएंगे, अपने एंड्रॉयड डिवाइस में अपने फ़ोन में खेल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगर आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है जो वो अगर मतलब कम स्पेसिफिकेशन है, अगर आपके फ़ोन में 1GB रैम है और प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, तो भी ये सारे गेम्स अपने फ़ोन में खेल पाएंगे। एप्लीकेशन का साइज़ जो है वो बहुत ही कम है, 36 MB का एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से ही मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन का नाम है क्लाउड गेम्स। ये एक जैपनीज कंपनी ने बनाया ये एप्लीकेशन को, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट करने के बाद ये सारे गेम जो है खेल पाएंगे। लेकिन एक दिक्कत है, आपको मनी जो है खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर टास्क जो है करना होता है। मतलब अगर आपको एक ऐड दिया जाएगा, ऐड जो ऐड को आपको देखना होता है, देखने के बाद आपको 50% ऑफ मिलेगा। मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी एक गेम को आप चूज करके उसे आप 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, या फिर आधे घंटे के लिए, या फिर आप 1 घंटे के लिए उस गेम को जो है खेल पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको अच्छा खासा मोबाइल में अच्छा खासा नेट चाहिए, मतलब आपको अच्छा खासा नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे गेम आप ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट करने के बाद ही अपने फ़ोन में खेल पाएंगे। सो मैं फिलहाल आपको इस क्लाउड गेम्स का एप्लीकेशन है एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लाउड गेम्स जो एप्लीकेशन है उसे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैंने रिसेंटली यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट प्ले, यहाँ पे इस जगह में लिखा हुआ है यहाँ पे FIFA 17। मैंने रिसेंटली ये गेम खेला था अपने फ़ोन में, तब ये फ्री था, मतलब फ्री ट्रायल चल रहा था, इसलिए मैंने खेल लिया गेम को। सो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Mafia 3, The Witcher 3, Fallout 4, Metal Gear 5, Dead Rising 2, Dead Rising 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्लीपिंग डॉग्स, और यहाँ पे डार्क सोल 3, और भी बहुत सारे गेम्स जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप मल्टीप्लेयर, आर्केड, हिस्ट्री में, मतलब जो भी आप गेम्स खेले हैं हिस्ट्री, मतलब जो आप गेम्स पहले खेले हैं यहाँ पे हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद, वो सारे गेम अपने आप एक बार देख सकते हैं कि आपने किस तरह के गेम्स जो है खेले हैं पहले भी। और यहाँ पे फ्री फॉर लिमिटेड टाइम यहाँ पे आप लिखा हुआ, यहाँ पे इसमें फ्री पीरियड के लिए आप ये सारे गेम्स जो है खेल पाएंगे। मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के गेम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेसिंग गेम है, एक शूटिंग गेम है, मतलब यहाँ पे एक बैटलफील्ड गेम है, कैसलवेनिया है, यहाँ पे अच्छे खासे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप PSP के गेम्स भी आप खेल पाएंगे यहाँ पे PSP के, जो काफी अच्छी बात है, जो ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट करना होता है जो PSP गेम्स होते हैं, जैसे कि गोस्ट ऑफ स्पार्टा, मतलब गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा, और गॉड ऑफ वॉर चेन ऑफ ओलंपस, ये सारे गेम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल पाएंगे। यहाँ के तक कि यहाँ पे देख सकते हैं आप जस्ट कॉज 3, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2, फॉलआउट 4, हिटमैन, और यहाँ पे माफिया 3, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो आपको अगर डाउनलोड करना है तो अभी डाउनलोड करना इस एप्लीकेशन को, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, कब क्या हो जाए पता नहीं चले, क्योंकि एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितने सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं कोई गेम, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ आपको सर्च करके कि आप कौन सा गेम आपको खेलना चाहते हैं, तो आपको दिखा दूँ आपको। यहाँ पे हॉरर, फाइटिंग गेम, फ्लाइट गेम्स, FPS, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो कीपैड है वो काफी अच्छा कीपैड है, यहाँ पे कीपैड काफी अच्छा कीपैड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे WWE 2K19 भी है यहाँ पे। We
लगा यहाँ पे GTA वगैरह, लेकिन यहाँ पे GTA नहीं है, ये GTA पहले था लेकिन यहाँ पे GTA शायद रिमूव कर दिया गया है। लेकिन जो भी गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है वो काफी अच्छे गेम्स है, तो आप ये सारे गेम्स एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी होगा, मतलब अगर आपका टास्क जो है अगर कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा मनी जो है आपको गेन कर पाएंगे, और उसकी मदद से आप ये सारे गेम्स जो है खेल पाएंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉच डॉग्स 2 भी यहाँ पे अवेलेबल है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि यहाँ पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन यहाँ पे अवेलेबल है। सो फिलहाल मैं इतना सारे गेम्स यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स यहाँ पे और भी है, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे GTA 5 वाले यहाँ पे GTA 5 नहीं है, फिलहाल यहाँ पे GTA 5 नहीं है, लेकिन जो भी गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है काफी अच्छे गेम्स है यहाँ पे। एक और फीचर है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, यहाँ पे फ्री ट्रायल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये फ्री ट्रायल की मदद से आप अपने फोन में जो गेम्स हैं जो आपको परचेस करना होता है पर्टिकुलर टास्क करने के बाद, उसे आपको करने की जरूरत नहीं, मतलब आप टास्क ना देख के भी, आप मतलब टास्क को ना करके भी आप फ्री ट्रायल क्लिक करने के बाद अपने आप अपने फोन में वो सारे गेम जो है खेल पाएंगे जो आप अवेलेबल होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मतलब अगर आपके फोन में वो अगर 15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए जो गेम है यहाँ पे शो करेगा वो आप खेल पाएंगे, फ्री ट्रायल में क्लिक करने के बाद आपको वो सारे गेम जो है खेल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फीफा 17 यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे जो काफी अच्छी बात है यहाँ पे फीफा 17 शो कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट गेम में आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आप गेम को जो है खेल पाएंगे इजीली। लेकिन मेरे पास अभी कॉइन भी नहीं है और अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि अब मैं खेलूं, क्योंकि अभी जो फ्री पीरियड था जो फ्री ट्रायल था वो अभी नहीं है, वो बाद में आ जाएगा फिर से मतलब 24 घंटे के बाद शायद आ जाए फ्री ट्रायल। तो अगर आपको पसंद आया ये एप्लीकेशन तो जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।